तो आज ऑस्कर में भारत का डबल कमाल दिखा। फिल्मकार आरआर राजामौली की बहुत चर्चित फिल्म आरआरआर के गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इस गाने के नाम का ऐलान किया तो कंपोजर एमएम केरवानी ने और गीतकार चंद्र बोस अवार्ड लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्टेज पर गाने की परफॉर्मेंस भी हुई। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर द एलिफेंट विस्परर को मिला। ये दो तस्वीरें भारत की दो बड़ी उपलब्धियों की। भारत को गर्व है इन तस्वीरों पर। तो एक तरफ जब ऐलान हुआ आरआर के इस गाने नाटू नाटू गाने के जीतने का, वैसे ही वहां पर माहौल पूरी तरह से बदल गया और सिर्फ वहां पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आरआर की धूम हो गई, नाटू नाटू गाने की धूम हो गई। वहीं दूसरी तरफ द एलिफेंट विस्परर को भी अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस तरह से ऑस्कर में एक साथ भारत के लिए दो बड़ी खबरें आई। फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला। दीपिका पादुकोण ने गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड का ऐलान किया और गीतकार चंद्र बोस और कंपोजर एमएम किरवानी, जिन्हें एमएम क्रीम भी कहा जाता है, उन्होंने अवार्ड लिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए उनको अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड मिलने पर नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर एमएम किरवानी भी मंच पर आए। उन्होंने पुरस्कार हाथ में लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। क्या कहा उन्होंने, आइए सुना। Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win. Pride of every Indian. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी है। नाटू नाटू की लोकप्रियता ग्लोबल है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये एक ऐसा गाना है जिसे सालों तक याद किया जाएगा। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में क्या लिखा है, अब जरा उसको भी देख लेते हैं। नाटू नाटू की लोकप्रियता ग्लोबल है, ये एक ऐसा गाना है जिसे सालों तक याद किया जाएगा। एमएम किरवानी, चंद्र बोस और पूरी टीम को इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट।